यहाँ तो कोई भी नहीं है। जोनी चाचू आपको बुला रहे, जल्दी चलो। चलो बेटा चलते। आपको संभाल जा रहा, शाम तक उस दरगाह में मत लौटना, नहीं तो वो गुंडा तुझे जान से मार देगा। बस एक बार उसे यकीन हो जाए कि हम दरगाह में नहीं हैं, फिर हम लौट जाएंगे। बचाओ!
रहा टैक्सी स्टैंड और वो बस स्टैंड, आपको कहीं की भी बस मिल जाएगी या कहीं की भी टैक्सी। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया जॉनी, उम्मीद है आज के बाद हमें तुम्हारी कभी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी और ना ही कभी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। हमारा सफर यहीं तक था। किसी से मिलने का दिन नहीं है, तुमसे भी नहीं। हम यहां जारा की बरसी के लिए आए हैं, फिर वापस लौट जाएंगे। हम लखनऊ पहुंच चुके हैं, काम खत्म होते ही यहां से निकल जाएंगे। जारा, तुम्हें जो भी करना है जल्दी करना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जी हम जानते हैं, हम समझ रहे हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बस हमें अगर वो एड्रेस मिल जाता ना जहाँ पर उन्हें रखा गया है। हाँ एक सेकंड। हाँ जी जी शुक्रिया। बेगम, बेगम, हमसे नहीं पढ़ा जा रहा है काजी साहब। कोई बात नहीं, जरा की बरसी है, ये हमारी मौत का दिन। बेगम, 12 साल की थी हमारी सारा, कहती थी हमसे तेज कुरान कोई और पढ़ ही नहीं सकता, खुद ही पहले फटाफट कुरान पढ़ के बैठ जाती थी काजी साहब, बहुत बहुत खुश होती थी और हमें भी उससे हार के बहुत अच्छा लगता था। हमें क्या पता था कि हम उसी की मगफिरत में बैठे। उसे कहती थी जारा कि अल्लाह उसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मोहब्बत। मेरे अल्लाह ने उसके साथ ऐसा क्यों किया था जिसको, क्यों किया? क्यों तुम जैसे लोग हमें पसंद नहीं आते और अल्लाह को बहुत पसंद आते हैं? उन्होंने तुम्हें पसंद किया और हमें एक जरिया बनाकर तुम्हें अपने पास बुला लिया। अब ऊपर आराम से बैठकर चिल करो और हमें शुक्रिया अदा करो। बोलो जारा। जारा नहीं बोलोगी? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। वैसे जारा, हम ना तुम्हें उस रात मरने से बचा सकते थे, लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे?
हमारा दिमाग खराब है क्या? तुम्हें तो अल्लाह ने भी नहीं बचाया, क्योंकि तुम गलत थी और हम सही। खैर छोड़ो, आखिरकार तुम मर ही गई जारा। तुम्हारे नाम का सूरज डूब गया और हमारे नाम का सिक्का चमकना शुरू। सोच रही है करने का, कभी नहीं कर पाएगी, याद रखना, अपने दिल से निकाल दे वरना मैं तुझे मौत दूंगा। तेरे घर वाले भी तेरी लाश पहचान नहीं पाएंगे, याद रखना। पुलिस का खबरी आबिद से गद्दारी करता है। तो हमें डरा जरूर सकता है आबिद अली, लेकिन हमें रोक नहीं सकता। कच्चा ही सही, लेकिन हमें एड्रेस मिल चुका है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हम उन्हें ढूंढ के ही रहेंगे और तू हमें रोक भी नहीं सकेगा। आराम से धक्का मुक्की मत करो बच्चों, सब आराम से बैठ जाओ, सबको खाना मिलेगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो। आप तो तीखा खाना खाते नहीं है ना? नहीं। असलम मियां, इस बच्चे को बिना मिर्च वाला खाना दीजिएगा। असलम मियां, एक प्लेट खाना लगा के दीजिए। खाना खाओगे बेटा? वहां सब खा रहे हैं, तुम भी खा लो। क्या आप हमारी मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने ये बुर्का पहना है और आपको लगा कि हम मुसलमान हैं? हरगिज नहीं बेटा, हरगिज नहीं। तुम्हारी शक्ल देख के लग रहा है कि तुम भूखी हो, और हमारा मजहब परेशान हाल लोगों को मदद करने की हुक्म देता है, भूखों को खाना खिलाने की तालीम देता है। हम तुम्हें मुसलमान समझकर खाना नहीं खिला रहे, इंसानियत के नाते खिला रहे हैं बेटा। खा लो। कोई बात नहीं, जब भूख लगे खा लेना। बहुत परेशान है। हमारे पास सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है, हमें बस एक दो दिन के लिए रहने के लिए कोई जगह चाहिए।
बेटा तुम कहां से आई हो, जाना कहां है तुम्हें? बेटा घबराओ नहीं बेटा, हम इस शहर के शहर काजी हैं, इरफान सिद्दीकी। आज हमारी बेटी की बरसी है, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे घर चल सकती हो, वहां सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और हाँ, हमारे घर में भी एक बच्ची है अजरा, तुम्हारी सहेली बन जाएगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। जब हम छोटे थे ना तो सब हमसे कहते थे कि हमारा नाम जारा है, लेकिन जब हमें गलत को गलत कहने की समझ आई तो सबने हमारा नाम बदतमीज रख दिया। तो बस तब से ही हमारा नाम जारा बदतमीज पड़ गया। लेकिन कल ही किसी ने हमारा एक नया नाम रखा है, खतरनाक। जारा खतरनाक, यानी जिससे किसी को खतरा हो सकता है। इतनी प्यारी बच्ची को भला कौन खतरा कह सकता है बेटा? जिसने भी कहा है ना उसे लेके आओ, नहीं तो उससे कहो जाके कि ना तो ये जारा बदतमीज है और ना ही खतरनाक। ये तो बस हमारी जारा लाडो है। समझ नहीं आ रहा है कि हम इतनी सारी मोहब्बत कैसे संभालेंगे, लेकिन हम एक दो दिन में यहां से चले जाएंगे। क्यों चली जाओगी तुम? कहीं नहीं जाना, यहीं रहो। हमारा देखो, याद कीजिए, जारा कहा करती थी ना कि कुछ बातों की प्लानिंग नहीं किया करते, अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अल्लाह की जैसी मर्जी। हमने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते होंगे जिनके दिल में बेइंतहा मोहब्बत हो, लेकिन आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम नहीं जानते कि हम एक दो दिन के बाद भी यहां रह पाएंगे या नहीं। जब हम लोग इतने ही अच्छे हैं तो फिर तुम यहां रह क्यों नहीं जाती? आपका घर तो संस्कारी मुस्लिम घराना है और हम यहाँ कैसे फिट होंगे? जारा, लाडो, हमारे साथ दो दिन गुजार के तो देखो, कुछ मत सोचो, अल्लाह पे छोड़ दो, सब अल्लाह पे छोड़ दो। शुक्रिया। फूफी जान, इधर देखिए, पहले तो रोना बंद कीजिए। डॉक्टर ने आपको रेस्ट लेने की सख्त हिदायत दी है। डॉक्टर से बोलो हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है, बोल देना जाके। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा है तो आप कर लीजिए ना। एक सेकेंड, आप रेस्ट कर लीजिए, नहीं आपको रेस्ट करना पड़ेगा। आपने हमें अपनी बेटी माना है ना, तो आज से आपका सारा ख्याल हम रखेंगे। आप जल्दी से हमें अपना कमरा बताइए, हम आपको लेके जाते हैं। तुम दोनों से कह रहे हैं इस लड़की पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम उस लड़की को पहले से जानते हो? वो जॉनी,
एक मिनट, जॉनी? हाँ यही तो है जॉनी। इनका नाम कबीर है और ये जारा के शौहर। और इस घर के दामाद। हमारा नाम जारा भी नहीं है, सब कुछ झूठ बोला है तुमने। तुम्हारी पहचान कुछ और है, तुम कुछ और करके आए हो। हकीकत बताओ। उनका कुछ पता चला? वो ठीक है या नहीं? उन्हें कहाँ रखा गया है? गजब हो गया बेटा, उनका सौदा अभी कुछ ही देर में होने वाला है और उसके बाद उन्हें खरीदारों को सौंप दिया जाएगा। मतलब अभी तक सौंपा नहीं गया है ना? हम जानते हैं आप हमारी मदद कर सकती हैं, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। एक बार बता दीजिए कि उन्हें कहाँ रखा गया है, वो सही सलामत भी है या नहीं? बड़ा इमाम खाना के इलाके में उन्हें रखा गया है। हम कोशिश करते हैं, जैसे ही कोई और सुराग मिलेगा तुम्हें खबर कर देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। Let me guess. अब तुम हमसे यही पूछोगे कि हम यहाँ क्या कर रहे थे या हम कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे, राइट? कभी हमने तुमसे पूछा है कि तुम क्या कर रहे हो या तुम्हारे घर वाले क्या करते हैं या तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? कभी पूछा नहीं, लेकिन आज पूछ लेते हैं। क्या करते हैं तुम्हारे अब्बू? हमने सुना कि पॉलिटिशियन है। सिर्फ यही करते हैं या उनका कोई और भी बिजनेस है? बहुत खूब, बात घुमाने के लिए तुम हमारी अब्बू की बात छेड़ रही हो, मानना पड़ेगा माशाल्लाह, लेकिन हमें घुमाओ मत। फोन किसे कर रही थी ये बात है, लेकिन हम जानते हैं। नहीं बताओगी ना तुम हमें? खैर, मसला ये है कि तुम हमेशा ये कहती हो कि हम झूठे नहीं है, हम गलत नहीं है, हम खतरनाक नहीं है, लेकिन हमेशा तुम्हारा फोन तब क्यों कटता है जब हम कमरे में आते हैं? और हम तुमसे कुछ पूछने नहीं आए थे, दो बातें बताने आए थे। सबसे पहली बात यह है कि ये हमारी जारा का कमरा है। किसी भी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, काजी साहब, खाला जान, तुम्हारी वजह से इन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, समझ गई? तुम्हारे प्लान क्या है, तुम्हारी तरकीब क्या है, तुम्हारे इरादे क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, कोई सारोकार नहीं। हमारी वजह से ना आज तक सिर्फ हमें ही नुकसान पहुंचता है। हमें जिंदगी के थपेड़ों ने कभी इतनी फुर्सत दी ही नहीं कि हम कोई साजिश रच सके। सो डोंट वरी, तुमसे ज्यादा ना हमें उनकी फिक्र है। हम कभी उन्हें एक खरोच तक नहीं आने देंगे। हमने तो इस दुनिया को कोई और ही चेहरा देखा था, हमें तो ये दुनिया बहुत ही डरावनी लगती थी, लेकिन जब यहां आए तो पता चला कि दुनिया में ऐसे लोग भी जिंदा हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि परिवार क्या होता है, सबके साथ मिलजुल के रहना क्या होता है। यहां आके जाना कि दुनिया का सारा सुख तो इसी में है।
लेकिन ये सब हम तुम्हें क्यों बता रहे हैं? तुम तो समझ में नहीं आ रहा। मैं लड़की अच्छी है या कोई बला है? एक साल हो गया उस घर में गए हुए, अब तो आयशा बहन भी वहां नहीं है। वहां जाना हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। आयशा बहन नहीं है तो क्या हुआ? उनके चिराग कबीर मियां तो हैं, और वैसे भी हम अपनी बेटी जारा के कुरान खानी के सबाब में जा रहे हैं, हमें जाना ही चाहिए। चलिए वो थोड़ा है। एक मिनट, हम सोच रहे थे कि जारा यहाँ पर अकेली रहेगी तो इसलिए हम उसके साथ रुक जाते हैं। हम अगर यहाँ रुक गए तो कबीर के अबू के बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा, ना ही हमारे मकसद तक पहुंचने का सुराग हाथ लग पाएगा।